मॉर्निंग क्लास नाइन। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने डिस्कस किया था, ट्रायंगल किसे कहते हैं, कितने टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल अकॉर्डिंग टू साइड। आज हम लोग पहला थ्योरम है, वह थ्योरम है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपका थ्योरम है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमारा थ्योरम है। इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्लोज फिगर हो गया, बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। और हम जानते हैं कि क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो सबसे पहले गिवन हमारा क्या लिखेंगे, एबीसी ट्रायंगल। एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल। ये एबीसी हमारा क्या है, एक ट्रायंगल होता है। प्रूफ क्या करना है, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल का तीन एंगल है और तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करें, ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू बीसी पासिंग थ्रू ए। मतलब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो बीसी के पैरेलल होगा और किससे पास होगा, तो ए से। एक लाइन ड्रॉ किए जो बीसी के पैरेलल और पास किसे कर रहा है, ए से। इसको हम एंगल वन मान लेते हैं, इसको हम टू मान लेते हैं, और इसको थ्री मान लेते हैं, और इसको फोर मान लेते हैं, और इसको क्या है, फाइव। तो अब आ जा रहे हैं हम लोग प्रूफ में। अब देखिए एल पैरेलल टू बीसी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता, अलाइन सेगमेंट या लाइन विच इंटरसेक्ट द पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला लाइन होता है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये मेरा एक लाइन है और एक बीसी, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो एल पैरेलल टू बीसी है और ए बी हमारा ट्रांसवर्सल है, तो एंगल वन जो है वो एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह अब हमारा ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, एसी। तो फिर से लिखेंगे एल पैरेलल टू बीसी एंड एसी इज ट्रांसवर्सल। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव। ये भी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए कि हमारा एल जो है एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मेशन होता है एंगल का, वह क्या होता है, 180 डिग्री। एल इज अ स्ट्रेट लाइन, इस कंडीशन में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैंने इस लाइन की तरफ केवल एक ही साइड दिखाया, स्मॉल लेटर। अगर स्मॉल लेटर से दिखाइएगा तो आपको दोनों साइड दिखाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कैपिटल लेटर का यूज कीजिएगा तो इधर एल लिखें तो इधर कुछ ना कुछ लिखना ही होगा। लेकिन स्मॉल लेटर से अगर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो केवल एक ही साइड दिखाना, और कैपिटल लेटर अगर यूज करेंगे तो दोनों साइड दिखाना होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रीजन हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। अगर ये केवल दो ही रहता तो उसको लीनियर कह देते। तो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, तो एंगल 4 के बराबर। एंगल 2 किसके बराबर, तो 2 का 2 ही होगा।
और एंगल थ्री किसके बराबर है, तो एंगल फाइव के बराबर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी अगर एबीसी के अंदर का बात करें तो एंगल फोर जो है वह किसका प्लेस लिया, एंगल बी का। एंगल टू किसका प्लेस लिया, एंगल ए का। और एंगल फाइव किसका प्लेस लिया, तो एंगल सी का, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल अरेंज कर दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यही हमें क्या करना था, कि ट्रायंगल का तीन एंगल होता है और तीनों का सम कितना डिग्री होता है, 180। अब हम लोग आ रहे हैं हमारा नेक्स्ट एक और थ्योरम है, वह है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक हमारा नेक्स्ट थ्योरम जो है वह है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, थ्योरम नंबर टू। सेकेंड नंबर थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसमें क्या है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसमें क्या है, ये थ्योरम ये बता रहा है कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल का थ्री साइड है, एक एबी है, एक बीसी और एक एसी है। तो इफ अ साइड, केवल एक साइड, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, तो मान लेते हैं हमारे बीसी साइड को हम प्रोड्यूस कर दिए। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। तो ये एक्सटीरियर का मतलब ट्रायंगल के बाहर, तो ट्रायंगल के बाहर एक्सटीरियर यही हो गया। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू, मतलब ये एंगल किसके बराबर है, सम ऑफ द टू इंटीरियर। अब इंटीरियर हमारा तीन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीन इंटीरियर। लेकिन क्या बोल रहा, सम ऑफ द टू, दो ही लेना, कौन सा, अपोजिट एंगल, मतलब इस का अपोजिट, इसका अपोजिट जो है वो ये और ये हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेसेंट फॉर्म हो गया। तो बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल तीन है तो इसमें अपोजिट वाले को लेना है, तो इसका मतलब अपोजिट में हमारा ये हो गया, मतलब ये एंगल जो है वो इन दोनों के सम के बराबर। अगर सपोज दैट कि अगर ये 100 है तो 70 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, दोनों के सम के बराबर। ये हमारा थ्योरम है और इसको हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या है, एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है। बीसी इज प्रोड्यूस टू डी, बीसी को प्रोड्यूस किया गया कहां तक, डी पर। ये हमारा गिवन में ही है, टू प्रूव ये बाहर का एंगल का नाम क्या होगा, ए सी डी। एंगल ए सी डी जो है वो अंदर के एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के बराबर होगा। कोई कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, प्रूफ में आते हैं। ये मैंने एग्जांपल के समझाने के लिए कहा, इसको एंगल वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं, इसको थ्री मान लेते हैं और इसको फोर मान लेते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी इंटीरियर में, तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 होगा,
रीजन इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए और रीजन क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना डिग्री है, 180 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये और ये एंगल दोनों का सम मिलाएगा 180 डिग्री होगा। तो बीसीडी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर क्योंकि दो ही एंगल का सम है। अब देखिए ध्यान से, एक इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों का जो इक्वल टू के बाद टर्म है वह दोनों 180 180, इसका मतलब राइट साइड में इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, From equation first and second, तो हमारा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। एंगल 3 कैंसिल आउट हो गया, एंगल 1 को हम एंगल ए लिख सकते हैं, 2 को एंगल बी लिख सकते हैं और इस 4 को एंगल ए सी डी लिख सकते हैं। तो मेरा एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल हमारा, ये हमारा सेकंड थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज 8 है और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल का दो एंगल दिया हुआ, थर्ड एंगल क्या हो, इजीली आप निकाल सकते हो। इसका मैं कब हिंट दे दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक ट्रायंगल है एबीसी है और इसमें एंगल बी 76 दिया हुआ, एंगल सी 48 दिया हुआ, ये निकालना। अब जानते हो कि ट्रायंगल का तीन एंगल का सम 180 होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ए की जगह ए लिख दीजिएगा, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू डाल के आप निकाल सकते हैं ए का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है, 2:3:4 दिया हुआ, तो लेट एंगल ए को क्या मान लीजिएगा 2x, बी को मान लीजिएगा 3x डिग्री और सी को मान लीजिएगा 4x डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ए की जगह 2x 3x और ये 4x डिग्री इक्वल टू 180 हो जाएगा। 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाय 9 कितना हो जाएगा 20। x का मान 20 लिया जाएगा, उसका एंगल a का पुट कर दीजिएगा 2:20 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल b इज इक्वल टू 3:20 60 डिग्री हो जाएगा और एंगल c इज इक्वल टू 4x का 4:20 दैट मींस 80 डिग्री हो जाएगा। आप देख लो तीनों एंगल का सम कितना 180 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ कि 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी का रेशियो दिया हुआ और आपको एंगल ए बी सी निकालना। तो सिंपली वे इसको लेट मान के यहां एक्स लिखो और देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको और इसको लेकर चलो, तो 3 एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल ए इज इक्वल टू एक्स बाय 3। अब इसके साथ इसको लेकर चलो, 4 एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल बी इक्वल टू एक्स बाय 4। और इसके साथ इसके लिए इसको लेकर चलो, एंगल सी इक्वल टू एक्स बाय 6। उसके बाद क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट में आ जाइएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल ए का वैल्यू जो है वो इसको पुट कर दीजिएगा, B का वैल्यू ये पुट कर दीजिएगा और C का वैल्यू सॉल्व करके X का वैल्यू निकालेंगे और फिर जैसे ये है हो जाएगा। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। आपको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को फाइंड आउट करना। अब देखो ध्यान से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए एंगल ए प्लस बी का वैल्यू हमें कितना दिया 108, तो इसके जगह हम 108 पुट कर सकते हैं। एंगल ए प्लस बी का वैल्यू प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 108, तो एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री। फिर हम आपके बी प्लस सी कितना दिया हुआ, एंगल बी प्लस सी हमारा दिया 130 डिग्री, बी के जगह बी और सी के जगह 72 डिग्री डाल देंगे तो 130 हो गया, तो एंगल बी इज इक्वल टू 130 माइनस 72, तो एंगल बी इज इक्वल टू 28। और उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 108 है, अगर बी के जगह हम 58 डाल देंगे तो इससे हम क्या निकल जाए, एंगल ए निकल जाए। अब देखो तीनों का सब 180 होना चाहिए, 72 और 58 कितना हुआ 130, और 130 और 50 कितना हो गया 180। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम आपका 180 होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा और एक माइनस वाला क्वेश्चन नंबर 6 बता देगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, एंगल पी माइनस एंगल क्यू इज इक्वल टू 42 डिग्री, एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल टू 21 दिया, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसके जब ये एंगल पी माइनस एंगल क्यू इज इक्वल टू 42 डिग्री, आप देखो एंगल क्यू क्यू कट जाएगा प्लस माइनस में, एंगल पी हमारा 2 एंगल पी हो जाएगा और यहाँ एंगल आर बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 222। ये दोनों को ऐड कर दीजिए। अब हमारा एंगल Q माइनस आर दिया हुआ, एंगल Q माइनस एंगल आर इसके नीचे लिख दीजिए इज इक्वल टू 21 है। अब ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस में, एंगल 2P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 3243 आ गया। आप क्या कीजिए फिर से p माइनस q वाला पुट कर दीजिए, फिर से p माइनस q वाला पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 42 है, फिर से q कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 एंगल p बच जाएगा इज इक्वल टू 5282, एंगल p इज इक्वल टू 285/3। अब इससे निकाल के देखिए और आप एंगल P माइनस एंगल Q इज इक्वल टू 42 है, एंगल P के जगह 95 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 42, तो माइनस Q इज इक्वल टू 42 माइनस 95, एंगल Q इज इक्वल टू 353, एंगल Q भी निकल गया हमारा और एक हमारा एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 21 है, Q को जगह 53 पुट कर दीजिए, 21 माइनस R इज इक्वल टू 21 माइनस 53, तो माइनस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, एंगल R इज इक्वल टू 32। चेक कर लीजिए तीनों एंगल सम 180 होना चाहिए, 95 है सेकंड हमारा, 53 आया और ये हमारा 32 है, 5, 3, 8, 2, 10, 101, 10, 15, 13, 18 आएगा। आज के लिए इतना ही।